हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक इन आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेज बेस्ट। तो गाइज, आज का मेरा ब्लॉग होने वाला है बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये वीडियो मैंने काफ़ी टाइम पहले शूट की थी, जो कि जिसकी ड्यू टू सम प्रॉब्लम जिसके क्लिप्स मेरे फ़ोन से डिलीट हो गए थे। तो मुझे उस समय बहुत दुख हुआ था, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस वहाँ की अपलोड कर दी थी, बट ये वीडियो मुझे बहुत ज़रूरी था अपलोड करना। बट इसी की क्लिप्स मेरी गलती है, मैं लेट हो गई थी अपलोड करने में। अगर मैं टाइम से अपलोड कर देती तो क्लिप्स मिस नहीं होती, बट कोई बात नहीं। मुझे कल रात को फ़ोन ऐसे यूज़ करते 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 मेरे गूगल पे जाके मैंने चेक किया, वहाँ पर मेरे सारे वीडियो सेव हैं, थैंक गॉड। और मुझे वो क्लिप मिल गई है और मैंने वीडियो भी एडिट कर दी है आप लोगों के लिए और अपलोड करने के लिए रेडी है। तो जो जो मेरे इस चैनल पर अभी नए हैं, जल्दी से जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। आई होप उन सबको भी मेरी वीडियोज़ पसंद आएंगी। तो गाइज, ये वीडियो है मेरा बुढ़ाईजर गाँव का, मतलब मेरा गाँव नहीं, अनु का गाँव, मेरा ससुराल, जो हम लास्ट टाइम अभी गांव गए थे वहाँ के बूबू धाम की, गोलू देवता की ब्लॉग अपलोड कर दिया था, मतलब उनका। बट ये जो मेरा बुढ़ाईजर ससुराल है अनु के गांव का, वो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो गई थी बीच में, तो मैं भूल गई थी अपलोड करना। और फिर फ़ोन मेरा चेंज हो गया, तो फ़ोन में सारे वीडियोज़ भी मेरी चली गई, तो मैं उसकी वजह से नहीं कर पाया। मैंने सोचा अब तो गया यार, अब पता नहीं कब जाएंगे गाँव, कब मैं शूट करूँगी वो चीज़। बट लकीली मुझे कल रात को सारी क्लिप्स मिल चुकी हैं, तो अभी मैंने एडिट भी कर दिया है, एडिट भी कर दी है वीडियो। और आप जल्दी से जा कर के इसको देखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए, और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और जो रानीखेत साइड के हैं उनको बुढ़ाईजर गांव के बारे में ज़रूर पता होगा, तो जल्दी से जा कर के देखिए। मैंने आप सबकी यादों को ताज़ा कर दिया है, और ब्लॉग अच्छा लगे तो वही लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। चलिए अभी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अभी चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं आपको दिखाती हूँ बुढ़ाईजर गांव। सो गाइज, वन मोर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि ब्लॉग को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड आई नो कि आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये ब्लॉग, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। बाय। पता लगेगा तुमने गाँव गई थे करके, यहाँ का कैमरा कैमरा था हमारे पास, वही हमने पूरा खींच लिया। नहीं बनी यार, वेट कैसे टूटी तो नहीं, तो फिसला कैसे? ये हमारे गांव का व्यू, पापा कहते हैं ना इनसे बाघ आता है इन पेड़ों से। हाँ। तो मैं ऐसे देखते देखते चल रही थी, कहीं आदमी नहीं आता, वो फिर मैं फिसल गई। बोलो फोन नहीं गिरा है तो को भी झाड़ी में चला जाता। लो फोन दे। क्या कहते हैं स्कूली बेटा? ये है हमारे अम्मा का मंदिर। रास्ता ठीक नहीं है इस बारे में कुछ कह नहीं सकता मैं, रास्ता क्यों अभी तक नहीं बनाया इस मंदिर का, क्यों सही की नहीं करा है। कुछ बातें ऐसी होती है जो दबी रहे तो सही है, बातें दबी रहनी चाहिए, बस इसलिए वो रास्ता अभी तक नहीं बन पाया है अम्मा के मंदिर के लिए। मम्मी को परेशानी नहीं, जो उनके साथ हैं उनको ज़्यादा परेशानी हो रही है, जो लेकर आने वाले हैं। नेहा
नेहा ये है अम्मा का मंदिर, मतलब मेरे फादर इन लॉ हैं, उनकी दादी का मंदिर है। उनका एक मंदिर बनाया गया था यहाँ पर काफ़ी टाइम पहले, बहुत मान्यता है अम्मा की। और जब भी हम लोग गांव आते हैं, मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, और पापा लोग मम्मी लोग जब भी गांव आते हैं यहाँ मंदिर में ज़रूर आते हैं। और अभी हम यहाँ पर पूजा करेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे नीचे गाँव में बुढ़ाईजर गाँव, और वो भी हम आपको दिखाएंगे। सो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। हेलो गाइस, ये है मेरा घर, मेरा गांव बुढ़ाईजर। ये यहाँ से शुरू होता है, मतलब सारे भाइयों का मिलके कुछ वो है जैसा है, लेकिन ये है कि हम बच्चे बोल सकते हैं ये हमारा है। यहाँ हमारे ताऊ जी ताई जी लोग रहते हैं, ये वाला वाइट वाला, ये मम्मी ताई जी से बात करते हुए। उसके बगल में हमारे पापा के चाचा लोग, चाचा हैं पापा के चाचा, हाँ हमारे कज़न चाचा वो रहते हैं वहाँ पे। बस बुढ़जर में ये है, और इसके बाद जस्ट नीचे तीन चार परिवार रहते हैं जिसको कहते हैं तल्ली बखई। ये हमारी ताऊ जी की चक्की है, आजकल बैठी हुई है, ख़राब चल रही है। तल्ली बखई में तीन चार परिवार मिल जाएंगे आपको देखने को, ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं इस गाँव में। वही है रोज़गार सबसे बड़ा इशू उत्तराखंड के लिए। एंड नेहा 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 नेहा, ये रही नेहा, मेरे ससुराल में आके बहुत खुश लग रही है, वो बाद में जाके दिल्ली जाके बताएगी कैसे। बहू वाला लुक मेरा। क्या काम करा आपने यहाँ पे? बर्तन धो के आई है अभी। तो बर्तन तो धोए, और क्या काम किया? और कुछ नहीं किया मैंने। बहू वाला और कुछ नहीं किया। चल नौला चलते पानी लेने को। नहीं अब हम घर जाऊंगी। देख कर आते ना कहाँ पर है? यहीं पे है। अब हम जा रहे हैं नौला, आपको मैं अपना नौला भी नौला दिखाती हूँ जहाँ से पानी आता है। ये हमारे चाचा जी का घर है, और ये जो मकान लगाने की जगह है ये हमें मिली हुई है, ये खेत हमारा है यहाँ से यहाँ तक। चलो दिखाते हैं बाइक की साइड से, और ये हम चले नौला नेहा को दिखाने के लिए। अरे वो तो दे दो कंटर, तो दो इसका एक। कहाँ से जाना हो रहा है, रास्ता कहाँ से चेंज तो नहीं करा इन्होंने? नौला आपका रास्ता मुझे पता होगा क्या? आजा आजा आजा, उधर कहाँ जा रही हो? वो बाथरूम है, यहाँ सिंह भी है सिंह। बहुत ज़्यादा यहाँ बहुत सिस्टम है, देख लो कहाँ को यार, नौला तो दिख ही नहीं रहा मेरे को। मम्मी लग गया, मैं तो ये ढक ले रही हूँ पूरा अपना कवर। ये है हमारा नौला, ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है। देखो गांव में एक सिंपल सा है, गांव में एक सिंपल सा रूल है, कुछ चीज़ें पास मिलेगी तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा दूर मिलेगी। मैं पूरा कवर करके आ रही हूँ क्योंकि यहाँ सिसुण बहुत ज़्यादा है अल्मोड़ा में, इसके वहाँ कहते हैं, ये कह रहे कि हमारे वहाँ सिन कहते हैं, और हमारे वहाँ इसको कहते हैं सिसुण। सिसुण यहाँ पानी भी होता है क्या अभी? ये पानी का वो है, ये है इसका पानी। हाँ ठीक, ये है हमारा नौला। पैर मत, चप्पल चप्पल था उसमें, मच्छी भी है शायद इसमें, है मच्छी वो भी सफाई नहीं करी हुई, तो वहां से पानी आ रहा देखो। हाँ वो रहा पानी का स्रोत, सफाई नहीं हुई काफी टाइम, क्योंकि लोग कम रहते हैं ना यहाँ पे। ये है हमारा गांव, अब ये मत बोलना कि जंगल में गांव ऐसे ही होते हैं, गांव ऐसे ही होते हैं। अगर जहां रोड है, कंस्ट्रक्शन है, सब चीज़ हाथ में है, तो क्या गांव यार,
गांव के असली मजे लेने। फ्रंट का वैसे ही बना ना अपने ये हुए। ये है हमारा गांव का नौला। अब हम जा रहे हैं दोबारा से रिटर्न घर। चाचा जी बुला रहे हैं क्योंकि हमारे जाने का टाइम भी हो रहा है। तो और हाँ, कोई कमेंट में प्लीज़ ये ना बोले कि जंगल, गांव इन्हें ही कहते हैं, है ना। अब गांव में नैनीहाल भी है मेरा, वहाँ व्यू काफ़ी अच्छे सब चीज़ है, लेकिन वहाँ आपको ना एक वैसी फीलिंग नहीं आएगी। रहन सहन वहाँ बिल्कुल शहरों वाला ही है। अगर आपको असली गांव का अगर इंटरेस्ट मतलब चाहिए, सब चीज़ माहौल चाहिए, तो मज़े चाहिए, जो इंटरेस्ट है गांव में वो यही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है, नेटवर्क नहीं है, और परिवार पूरे गांव में 3 या 4 परिवार रहते हैं अभी। या ऑब्वियसली लाइट नहीं है तो फ्रिज की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ठंडा पानी नौले का मिल जाता है, लेने के लिए जाओ। पूरे गांव के कहते ना, एक क्या कहते हैं उसे, जैसे जाटों में कहते हैं कि मैं तो क्या है यार, मैं भूल गया अभी उस वर्ड को, सॉरी, मतलब पक्का ठेठ ठेठ गांव वाले वही रह सकते हैं यार। देहाती देहाती तो नहीं बोलेंगे। हाँ ये जरूर है, आई लव माय होम टाउन। आओ हम चले, अब हम जा रहे हैं गुर्जर को, बाय बाय अपने गांव को करते हैं। आई होप कि इसको अच्छा लगा हो मेरा गांव। बहुत अच्छा लगा। लगा ना, अगर 2-3 दिन रुकते तो पता चलता है इसको कैसा लगता है, कैसा क्योंकि बहू से यहाँ बहुत काम करवाते हैं। बाय बाय ब्लॉग, ठीक है, मिलते हैं। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बाय 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 करो, बाय बाय, वेरी गुड।